सेना में भर्ती होने के लिए कई संस्थाओं का दामन थामा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सेना में भर्ती और बेहतर भविष्य के लिए जानी जाती हैं। कैसे, तो चलिए आपको बताते चले सेना की भर्ती की पूरी दास्तान, क्योंकि सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ लगातार विरोध के मुहाने पर खड़ी हुई है। अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में लगातार वो छात्र जो कि सेना में अपना भविष्य देखते हैं, सेना में आगे बढ़कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐसे छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं युवाओं के शोले भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस सेना प्रक्रिया का सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध हो रहा है वो आखिर है क्या, हम आज आपको इसी को डिकोड करके पूरे विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको सेना की पुरानी भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी सुनाएंगे कि किस तरह से पुरानी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि कैसे सैनिक की सेना में एंट्री होती है। तो आपको बता दें सेना की तीन तरीके से एंट्री हो सकती है। इसके लिए तीन प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं। आइए मैं देहरादून का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा इसकी मान्यता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें OTA चेन्नई की, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा छात्र जो है वो सैनिक बनने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। वहीं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी संस्थान का जिक्र किया जाता है, किसी संस्थान की बात की जाती है, तो वो है NDA, क्योंकि NDA के बारे में ये बात कही जाती है कि NDA का एग्जाम क्लियर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इन सभी में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा बनी रहती है तो आप बता दें वो है नेशनल डिफेंस अकेडमी, यानी कि NDA। NDA के बारे में अगर हम आपको बताते चले कि इसमें शामिल कैसे होना है, ये भी खुद में एक बड़ा सवाल है। तो आइए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से आप NDA में भर्ती हो सकते हैं, NDA की अकेडमी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद आपका सेना में भविष्य पूरी तरह से साकार नजर आ सकता है। किस तरीके से NDA में भर्ती होगी इसके बारे में आपको ग्राफिक्स से हम बताएंगे। साल में 2 बार इसके लिए परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि UPSC के जरिए 3 सेनाओं में छात्र जो है वो शामिल हो सकते हैं। परीक्षा के बाद SSB का एक इलेक्शन भी होता है। परीक्षा के बाद आपको बता दें SSB का इंटरव्यू देना पड़ता है। मेडिकल राउंड से भी छात्रों का क्षमता का अंदाजा लगाया जाता है कि छात्र कितने ज्यादा क्षमतावान है। 100% फिट कैंडिडेट को ही इस दौरान मौका मिलता है, जिसके बाद अब लगातार छात्रों का जो NDA में इंटरेस्ट है वो खासा तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन NDA आपको बताते चले किसी भी तरह से इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। NDA के अंदर एक बहुत कड़ा एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है। 100% फिट कैंडिडेट को ही यहां पर मौका दिया जाता है। ग्राफिक के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अगर NDA के अंदर छात्र को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो कितनी मशक्कत यहां पर करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे OTA अकेडमी की। बता दें कि अग्निवीर योजना, जिसका मुसलसल विरोध किया जा रहा है, इसी की तरह OTA में भी भर्ती कुछ ही समय के लिए निश्चित रहती है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अग्निपथ योजना कोई नई स्कीम नहीं, उससे मिलती जुलती एक स्कीम और है जिसका नाम है OTA अकेडमी के थ्रू रजिस्ट्रेशन। दरअसल आपको बता दें कि OTA अकेडमी में किस तरह से सिलेक्शन होता है, इसी के बारे में अब हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। ग्राफिक्स आपके सामने हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 750 शॉर्ट लिस्ट कमीशन वाले सैन्य अधिकारियों को हर साल इसमें मौका दिया जाता है। आपको बता दें महिलाओं को इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने का ये जरिया बना है। भविष्य में सैन्य कमांडर के रूप में भर्ती के लिए इस पर फोकस किया जाता है, यानी कि आप समझिए कि सैन्य कमांडर के थ्रू ही यहां पर भर्ती जो है वो छात्रों की हो जाती है। इसीलिए OTA को, जो कि चेन्नई में स्थित है, उसके लिए छात्रों का खासा तौर पर इंटरेस्ट जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। अकेडमी में 49 हफ्तों तक ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा दिलचस्प और इतनी ज़्यादा परिश्रम से भरी होती है कि इसके बाद छात्रों का पूरी तरह से परिपक्व होना हर तरीके से साफ तौर पर लाजमी नज़र आता है। प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड होती है, जिसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भव्य होता है। NDA की ही तरह इसकी चयन प्रक्रिया बहुत सख्त होती है। 100% फिट कैंडिडेट को ही यहाँ पर मौका मिलता है। तो वही 21 से 27 साल की उम्र के युवा इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अंतिम मेरिट सूची पर सबका लक टिका होता है।
आपको बता दें कि जिस तरीके से OTA की व्यवस्था के बारे में हम आपको बता रहे हैं, OTA के बारे में आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से OTA की व्यवस्था जो है वो छात्रों को आगे बढ़ाती है। सैन्य कमांडर स्तर के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आगे चलकर अपना काम जो है वो करते हुए नजर आते हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि इसी की तरह युवाओं में IIM देहरादून को देकर खासा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। IIM देहरादून क्योंकि पहाड़ों में सैनिकों का खासा तौर पर दिलचस्पी देखने को मिलती है, पहाड़ों से बहुत सारे सैनिक हमारे भारत देश को मिले हैं और इसीलिए हर साल सेना में भर्ती की चाह रखने वाले नौजवानों का एक सपना होता है कि वो IIM से प्रशिक्षण ले जिससे उसका करियर बेहतरी से आगे बढ़ सके। तो चलिए आपको बताते चलते हैं कि IIM में सिलेक्शन के नियम आखिरकार क्या कुछ है। दरअसल में आप ये ग्राफिक्स देख रहे होंगे, IIM से सेना में भर्ती बड़ी ही आसान है। आपको बता दें ये संस्था देश के जेंटलमैन कैंडिडेट्स यानी कि GC का ट्रेनिंग देती है। आपको बता दें इसी दौरान नेतृत्व और युद्ध की कला की तैयारी की जाती है, यानी कि युद्ध के अंदर कौन नेतृत्व देगा और युद्ध के अंदर किस तरह की कला का उसको अपनाया जाएगा इसकी ट्रेनिंग जो है वो इसके द्वारा दी जाती है। अकाडमी से सिलेक्शन के बाद होती है दस्तावेजों की मांग, क्योंकि दस्तावेज सबसे ज्यादा अहम होते हैं। सभी दस्तावेजों को क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद एक बॉन्ड साइन कराने की बात होती है। अब आप ये सोच रहे हो कि भला ये बॉन्ड किस तरीके का है, तो दरअसल में इस पे पूरी तरह से इस बात की चेकिंग होती है कि इस बॉन्ड के अंदर इस चीज की चेकिंग होती है कि डॉक्यूमेंटेशन जो आपने प्रोवाइड कराए हैं वो पूरी तरह से सत्यापित है, वेरीफाइड है या फिर नहीं है। अगर उसमें जरा सा भी खलल होता है तो ये बॉन्ड के नियमों के खिलाफ होगा। बॉन्ड को साइन कराना बेहद जरूरी होता है। कई ऐसी कंडीशंस होती है कि छात्रों उन बॉन्ड्स को साइन नहीं करा पाते। अगर नहीं बॉन्ड साइन करा पाते तो उसके लिए खास प्रक्रिया है, 15 दिनों की मोहलत मिलती है, लेकिन 15 दिनों के लिए 9000 रुपए की फीस देनी पड़ती है और 9000 से ज्यादा की भी फीस देनी पड़ती है। अगर इसके बाद भी साइन बॉन्ड नहीं करा पाए तो मियाद जो है वो बढ़ जाएगी। मियाद कितनी बढ़ेगी, 3 महीने तक बढ़ेगी और 3 महीने तक आपको और ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। 3 महीने में भी अगर आपने बॉन्ड साइन नहीं कराया तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सेना में नेतृत्व रैंक के लिए इस दौरान मौका दिया जाता है। IIM देहरादून में एक खास बात यह भी है कि नेतृत्व में जो लोग भी जाना चाहते हैं, यानी कि बड़े स्तर के सैन्य अधिकारी बनना चाहते हैं, बड़ी मशक्कत करना चाहते हैं, सेना के स्तर पर भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भरता के साथ में काम कर रहा है, और अगर आप उन छात्रों में से हैं जो लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो IIM आपके लिए एक सबसे बेहतरीन संस्थान है। और इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा मशक्कतें हैं, बॉन्ड साइन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, और अगर डॉक्यूमेंटेशन में ज़रा सी भी खलल है तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे अग्निपथ योजना की, जिसको लेकर सड़क पर संग्राम, स्टेशनों पर आगजनी, दुकानों में लूटपाट, पुलिस पर पत्थरबाजी और भरपूर राजनीति हो रही है। इस अग्निपथ योजना को लेकर बिहार से लेकर तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेकर कलकत्ता, कलकत्ता से लेकर तमाम देश के राज्यों में आज कोहराम की स्थिति है। अग्निपथ पर जिस तरह से युवा आग बबूला हो रहे हैं, उसकी आग ने देश के कई राज्यों की ट्रेनों को और साथ ही साथ सड़कों को झुलसा रखा है। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल में प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं और पुलिस प्रशासन की उनके साथ भिड़ंत हो जाती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हालातों की वानगी करती हुई नजर आती हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अग्निपथ ये जो योजना है इस पर क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि अग्निपथ योजना पर भड़काया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें युवाओं की तो वह ये कह रहे हैं कि ये योजना कतई भी सही नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इस अग्निपथ की योजना को लेकर क्या क्या भ्रम है और इसके क्या क्या सच है। भ्रम दरअसल में यह है कि अग्निवीरों के भविष्य पर खतरा होगा, लेकिन इस बात का सच आप देखें तो वित्तीय पैकेज, बैंक से कर्ज, रक्षा मंत्रालय में पहली प्राथमिकता इस बात की वानगी करते हुए नजर आती है कि अगर 4 साल के बाद आप अग्निवीर बनकर सामने निकल कर आते हैं तो देश में आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। आप अगर अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप ये चीज समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से आपको तमाम तरह की मददें दी जाएंगी। अगर आप सैन्य स्तर पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो रक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम राज्य सरकारों ने भी आपके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। तो ये इस बात का पहला सच है और जो झूठ था उसके ऊपर से पहले ही हमने पर्दा उठा दिया है। आगे बढ़ते हैं। युवाओं के लिए मौका कम और चुनौतियां ज्यादा है।
ये ऐसा कहना है, ये कहीं ना कहीं झूठ है, क्योंकि दरअसल में सच क्या है, सच हम आपको दिखाते हैं। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा और यही सरकार की योजना है, क्योंकि अगर 17 से लेकर 21 साल तक की योजना, जिसको आप बढ़ा के कुछ समय के लिए 23 साल कर दिया गया है, अब आप समझिए कि 21 साल से लेकर 23 साल तक की उम्र तो युवाओं की होती है, तो ऐसे में कई ज़्यादा युवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा। 4 साल की भर्ती होगी तो देश का आधे से ज़्यादा जो युवा है, जो कि आगे चलकर देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, वो सैन्य स्तर पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हम आपको बता दें कि ज़्यादा स्तर पर सैनिकों की भर्ती की जाएगी। एक बड़ा सवाल इस दौरान ये भी उठ रहा है कि रेजिमेंट पर भाईचारे पर इसका असर पड़ेगा, यानी कि कई तरीके की रेजिमेंट होती हैं जिसके दौरान लोगों की भर्ती होती है, सैनिकों की भर्ती होती है। जाट रेजिमेंट की बात कर ले, गोरखा रेजिमेंट की बात कर ले, या फिर अन्य रेजिमेंट की बात कर ले, लेकिन अब आप इसको समझिए कि ये तो था झूठ। हकीकत क्या है कि बेहतर अग्निवीरों के चयन से तालमेल की संभावना जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब लोग ज़्यादा इस किसी चीज़ को लेकर तैयार होते हैं, ज़्यादा चीज़ों को लेकर अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पर तालमेल की स्थिति साफ तौर पर बनती हुई नज़र आती है। सेना में कहीं ना कहीं रेजिमेंट को लेकर एक बात शुरू से ही कही जाती थी कि रेजिमेंट के तौर पर बेसिस पर उस पर लोगों का चयन तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिकों के अंदर आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता है। और इसी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है कि रेजिमेंट सिस्टम को बंद करने की कोशिश जो है वो की गई है। तीनों अंगों पर असर पड़ने की बात कही गई है। सैनिकों के लिए ये बात भी कही जा रही है, आपको बता दें कि थल सेना, वायु सेना, या फिर आपको बता दें कि जिस तरीके से जो सेना का तीसरा अंग है उसको लेकर ये बात कही गई है कि तीनों सेनाओं के अंगों के ऊपर असर पड़ेगा अगर अग्निपथ योजना लाई जाती है। लेकिन सच क्या है, सच हम आपको बताते हैं। सेना को सुपरवाइजरी रैंक के लिए अब बेस्ट कैंडिडेट मिलेंगे, तो आप ये चीज़ समझिए कि जो झूठ फैलाया जा रहा है कि तीनों रैंकों के लिए, यानी कि तीनों अंगों के लिए युवाओं को जिस तरह से प्रेरित किया जा रहा है, वो युवा वहाँ पर जाकर कारगर नहीं सिद्ध होंगे, अगर आप ये समझिए कि इतनी अच्छी बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी और युवाओं का साथ होगा, तो तीनों रैंक में बेहतर जो कैंडिडेट हैं वो हासिल होंगे, बेहतर कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ ही एक झूठ ये भी फैलाया जा रहा है कि 21 वर्ष के युवा एक्टिव नहीं होंगे और इसी के चलते सेनाएं कमज़ोर पड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन सच क्या है, सच ये है कि आपको बता दें कि दुनिया भर में ज़्यादा देशों की सेनाएँ युवाओं पर भी निर्भर हैं। अग्निवीर समाज के लिए किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि युवा खून जो है वो हमेशा से ही सेना की मांग रही है। इसके बाद एक और झूठ के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। झूठ ये है कि अग्निवीर समाज के लिए आगे चलकर एक खतरा बनेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि आतंकवादियों के साथ उसके हाथ मिला लिए जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ साबित होता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं, जहां पर भारत का पैदा हुआ बेटा या फिर भारत में जन्मा हुआ कोई भी शख्स आतंकवाद के साथ हाथ मिला ले। ये मसूद अजहर की धरती नहीं है, ये हिंद की धरती है, ये गांधी की धरती है, ये नेहरू की धरती है। इसलिए सच क्या है, सच आपको बताते हैं। दरअसल में 4 साल वर्दी पहनने वाला शख्स जो कोई भी होगा वो खुद ब खुद ही देशभक्त बन जाएगा। आप एक बार सोच के देखिए कि आप एक बार उस तिरंगे को 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जब अपने हाथ में लेते हैं तो आपके दिल में किस तरह की भावनाएं जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो 4 साल तक जिसने उस वर्दी को अपने शरीर से ओढ़ रखा है, जिसके तन पर वो सितारे सजे हुए हैं, क्या वो आगे चलकर किसी भी तरह से किसी गलत काम को अंजाम दे पाएगा? ये सबसे बड़ा झूठ है जिस पर से हम पर्दा उठा रहे हैं। इसके साथ ही एक झूठ ये भी है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों से इसको लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन सच क्या है, सच ये है कि 2 साल से इसको लेकर प्लान बनाया जा रहा था। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब 2 साल से इसको लेकर प्लान बनाया जा रहा था, कोरोना काल के दरमियान यहाँ पर भर्ती रुकी हुई थी, तो ऐसे में सरकार का प्लान था कि जब भी भर्ती की बहाली होगी तो एक बेहतर भविष्य के साथ सैनिकों के सामने इसको रखा जाएगा। और इसी के लिए जब अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कराया गया तो एक बहुत बड़े नेटवर्क पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये ताकि जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं, वो वहाँ पर सरकार से खुले मंच पर सवाल जवाब कर सके। इसी को लेकर तमाम तरीके के अपडेट्स भी निकल कर सामने आ रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो छात्रों के भ्रम हैं वो छात्रों को अपने भ्रम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की इस खास पेशकश के दौरान अपने भ्रमों को दूर कर लेना चाहिए। अगर आपका कोई विरोध है, विरोध करने का हक
पूरे देश में हर एक शख्स को है, हर एक नागरिक को है, लेकिन विरोध विनाश के स्तर पर ना गुजरे। और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार के अंदर स्थिति बनी है और देश के अलग अलग राज्यों में स्थिति बनी है, वैसी स्थिति ना बने, इसलिए हमारी इस खास पेशकश को ज़रूर देखिए। सच और फसाना आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाएगा।